नैसी जी, यार दर्द के मारे पेट फट रहा है यार, कुछ कीजिए प्लीज। हाँ हाँ, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये हींग का पानी लगाने से ना पेट का दर्द ठीक हो जाता है। Okay. पापा के पेट में जब भी मरोड़ उठती है ना, तो मम्मी ऐसी से लाती हैं पानी के साथ। इलायची जी, ये सहलाने से तो पेट में प्रेशर बन गया यार। अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप मेरी आंखों में देखिए, सारा प्रेशर चला जाएगा। अरे ये क्या बोल रही हैं आप, आंखों में देखिए, एलआईसी जी कैसी बातें कर रही है, हमारे दिल पे थोड़ी ना कोई प्रेशर आया जो हम आपकी आंखों में देखेंगे और ठीक हो जाएगा। हमें लगता है मैं नीचे जाना होगा। क्या कर रहे हो, कहाँ जाओगे नीचे? नीचे सब लोग हैं, खास करके पापा, जो टेलीस्कोप के साथ ना अपनी नजर यूं गड़ा के रखे हुए हैं कि कब आप अंतरिक्ष में देखेंगे उन्हें। किसी ने आपको देख लिया नीचे तो हमारा प्लान चौपट समझो। नहीं, हेड जी ये रख लो। ये क्या ले आया तू? देखो सेठ जी, ऐसा तुम्हारा मेरा बड़ा पुराना कैंची उस तरह सा रिश्ता है, गुरर खाके बड़ा भाई मानता मैं तुमको। अबे बड़ा भाई मानता है तो क्या राखी बांधने के लिए लाया ये थाल? तुम्हारे मुंह में गुलर। सेठ जी ये शगुन का थाल है, मेरा लगन करवा दो पिंटू जी के साथ गुलर खाके। क्या बात कर रहा है तू? सेठ जी डोंट से नो टू हैप्पी एंडिंग। अबे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है तू ये? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये पिंटू जी भी तो पंचम से तलाक लेने वाली हैं, तो तुम्हारी तुलसी मेरे आंगन में क्यों ना लग सकती? अबे कैसी बातें कर रहा है कि तेरी तुलसी मेरे आंगन में और मेरी तुलसी तेरे आंगन में, यार मैं ना समझ रहा कुछ। सेठ जी मेरी शादी करवा दो पिंटू जी के साथ। मतलब मैं पिंटू जी के साथ शादी करना चाहता हूँ, तुम मेरे मुंह में कूलर दे रहे हो यार। यार मैंने जो है मिसेस पंचम को गोद में ले रखा है, वो जो चाहेंगी वो करेंगी, मेरे हाथ में थोड़ा ही है कुछ। अरे तो सेठ जी तुम उनसे सिफारिश तो कर सकते हो मेरी डूमी फीवर कि मैं जो है पिंटू जी के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ कूलर खा के। बंसल, हाँ तुझसे अकेले में बात करनी है। अरे मैं तेरी दुकान पे आ रहा हूँ, जा वही बात कर लूंगा तुझसे। तू जा ना। अरे यार वहां से ना कर पाता बात, यहाँ कुछ गया। अब बोल। नहीं कुछ खास बात है यार। हाँ बता बता। देख भाई बंसल, हाँ तू तो मुझे इतने सालों से जानता है। हाँ हाँ, दोनों की माँ के जाने के बाद ना, हाँ ये जिंदगी मैंने बड़ी मुश्किल से काटी है यार। अबे कैसा मुश्किल से काटी है जिंदगी? चल भी तो मेरे घर पे पड़ी बड़ी है, बात कर रहा तू भी बेकार की यार। मुझे बता कि पिंटू की और मेरी जोड़ी कैसी रही, कैसी लगती है तुझे? मैं पूछ रहा बता। चटंकी भैया वो तो पहले तो शादीशुदा हो रखी है और तुम्हें कोई नई नवेली ना चाहिए? अरे तू जी जी समझ ना रही है, देख पिंटू भी अकेली है और मैं भी अकेला हूँ। नहीं मेरे कहने का मतलब है जे पंचम को तो वो तलाक ही दे रही है, तो अकेली ना हुई। बात तो सही है चटंकी भैया। हाँ। लेकिन अगर मैं सोचूं तुम दोनों की जोड़ी के बारे में तो तुम ना पिंटू के आगे जले हुए कुकुर मुत्ते जैसे लगोगे। वैसे पिंटू बुरी लड़की नहीं है, अच्छी है। हाँ। तुम चाहते तो ब्याह तुमसे ही होगा, ठीक है? कैसी बातें कर रही हो तू? है ब्याह तो तब होगा जब जीजा करवाएगा, वो तो अपनी दुकान पे दोस्त के सेटिंग कर रहे हैं, बैठ के वहां पे बजर बड़ा घुटता है। इससे कैसे सेटिंग कर रहे हैं? चलो तो मैं देखती हूँ, मैं बात करती हूँ। हाँ देख इसको, तू आगे के चल, मैं पीछे आ रहा हूँ, बहुत बढ़ रहा है, बाहर योश को बता रहा हूँ। लच्ची के पापा, पिंटू की शादी होगी तो छटंकी भैया से ही होगी। अभी कुछ भी तय ना हुआ है।
अरे तो वही तो कह रही हूँ, तय कर लो। भाभी जी, पिंटू जी ना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए उनका हाथ तो मैं ही थामूंगा। सुन सुनवाल, चल निकल यहाँ से। पिंटू जी से जो ना शादी मैं करूंगा, समझ गया? और सबसे बड़ी बात ये, समझ गया, तेरी तरह सेकंड हैंड माल नहीं हूँ। चल निकल यहाँ से, चल। अरे शादी करने के लिए टाइम भी तो होना चाहिए, हैं? तेरा एक पैर तो थाने में रहता है, दूसरा जेल में, बात कर रहा है। ओए, कैसी बातें कर रहा है? मेरी दुकान पे बैठ कर तू मुझे झलकाने की कोशिश कर रहा है, चल निकल यहाँ से। अरे मेरे दोस्त की दुकान है, तू बीच में कहाँ से आ रहा है? अरे यार तू मुझे अभी अच्छी तरीके से जानता नहीं यार, मेरा गुस्सा बहुत तेज है, मारूंगा झापड़। तो तू यहाँ जा काम कर। अरे तू जा यार। अरे तू काम कर अपना। अरे तू कर काम। मैं तुझसे बोल रहा हूँ, तू अपना अखाड़ा समझ रखा दुकान को तुम दोनों ने, बात कर रहे हो बेकार की। इलायची के पापा, मैं कह दे रही हूँ, अगर पिंटू की शादी होगी तो छटंकी भैया से ही होगी, ये भी अपना घर बसाना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? अरे जो आदमी दूसरों की बरातों में लूटे हुए पैसे लूट रहा हो, वो अपने घर की जिम्मेदारी कैसे संभालेगा? ये एकदम सही बात की यार तूने। अबे तू रहने दे सोनपाल, घर में कुंवारी बेटी बैठी है और खुद जो है घोड़ी चलने की खुजली हो रखी है। जा जा काम कर तू अपना यार, कर जा अपने। यार देख मेरी बात ना, मेरी मैं कोई बात ना सुनूंगा, तू जा। जीजा तुझसे एक बात पूछना चाह रहे हो कि मेरे लिए कोई फैसला बनता तेरा? यार कहां से पल्ले पड़ गए सब मेरे? क्या कह रहे हो इलायची के पापा, मेरे तो भागे फूट गए। कंट्रोल जीजा जी, कंट्रोल। इलायची जी देखिए, आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए यार, हमारी पूरी इज्जत चौपट हो जाएगी यार आपके सामने, आप हमारे पति के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप हमसे प्यार करते हैं? शांत शांत, इस वक्त गुस्सा आपके पेट के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे इलायची जी तो जो ठीक है वो करिए ना प्लीज, आप समझने की कोशिश करिए, हमें गुसल खाने की जरूरत है, जुगाड़ करिए ना प्लीज इलायची जी, आप समझ रही है कि नहीं? जीजा जी पहले तो कान खोल के मेरी बात सुन लो, ये मिंटू के छोले भटूरे के ठेले पे अगर दोबारा आप मुझे दिख गए ना तो कढ़ाई में ना कसम से बता रही हूँ, भटूरों की जगह ना आप ही तैरते हुए देखोगे। अरे हाँ हाँ जाइए ना प्लीज प्लीज। हाँ जा रही हूँ, खड़ो खड़ो फिर। अरे यार ठीक कर दी है, आदमी बीमार होता है प्यार दिखाते हैं इलायची जी, आप ऐसा कर रही है। ठीक है जी। हाँ ओ यो ओ हे भगवान हे भगवान, आप पकड़वा गए साला आने तेरी। अरे यार हट, भाग गया। अरे हाँ लाइजी, हाँ? तू यहाँ क्या कर रही है? मैं ये सोच रही थी कि जीजा जी कहाँ तक पहुंचे होंगे। अरे कैसी बातें कर रही है तू भी, अरे तुझे बताना है कि वो अंतरिक्ष में गया है तो वहां पहुंचने में टाइम तो लगता है, है ना? और फिर उसे देखने के लिए एक क्यों लाया हूँ, आ चल इसको देख लेते हैं। नहीं बिन बात क्यों डिस्टर्ब करना उन्हें, तो उसे कैसे पता लगेगा कि हम उसे देख रहे हैं? अबे जाना साले। अरे पापा यार ये भी तो हो सकता है ना कि वो भी हमें ऊपर से नीचे देख रहे हो, हमें भी बहुत ज्यादा याद कर रहे हो। अरे यार इलायची जी क्यों बकवास करे जा रही है यार, मुद्दे पे आइए। और फिर वो हमें उनको देखते हुए ऊपर से देखेंगे तो उनको लगेगा कि हम भी उन्हें बहुत याद कर रहे हैं, और क्या पता इस बात से वो बहुत कमजोर पड़ जाए और उनका दिल करे हमसे मिलने का, और इस जिद के कारण वो रॉकेट को ही हमारे घर की तरफ मुड़वा देंगे, तो तू क्या करने? नहीं ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। तो कुछ ज्यादा दूर की ना सोच रही है? सोचना पड़ेगा पापा, इतनी दूर भी तो गए हैं। ये टेलीस्कोप छोड़ो, हम लोग ना टीवी में देखेंगे। चलो चलो टीवी में देखेंगे। हाँ ये भी बात सही, आजा आजा। हाँ चला। ना 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 ना, मैं टीवी पे ना देखूंगा, मैं ना देखने वाला हूँ टीवी पे, मैं तो इसमें देखूंगा दूरबीन पे। नहीं दूरबीन नहीं पापा, टेलीस्कोप। और मैं पापा सुनिए। हाँ पापा। हाँ ओ माय गॉड, दुकान दुकान के लिए
किसी ने आपके गले में से वैसे चुरा ली तो जीजा जी भी नहीं है ध्यान रखने के लिए। ओह माय गॉड, जाओ 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 जाओ। हां 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 सही कह रही है तू, एक मिनट रुक जा, मैं देख के आ रहा हूं। अरे क्या साला, ये क्या 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 सी। अरे मुझे याद आ गया, मेरे दुकान के गले में ताला मार के रखा है वो, अपने घर का ऊद बुलाओ है ना। अरे तेरा मामा वो कहीं गले को दूध का कटोरा समझ के उसमें मुंह ना मार जाए, इसलिए मैंने उस पर ताला मार रखा है। एक काम करते हैं, चल इस पर देख लेते हैं उसे। नहीं 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 नहीं, नहीं प्लीज, कैरम खेलने चलते हैं चलो। अरे कैरम, अपने घर में कैरम कहाँ है? लूडो तो है, लूडो खेलते हैं चलो। इस वक्त लूडो खेलो, लूडो खेलो, लूडो खेलो। आपके पास तुम्हें लिए टाइम ही नहीं है। अरे कैसी जिद कर रही है, चल चलो। हाँ आप लगाओ गेम, मैं दो मिनट में आई जाऊँ। अरे जाओ जी, लड़की है लगाओ गेम। अरे यार जल्दी जल्दी करो ना यार। अरे अब आपका बाप है यार, चुड़ैल हम जा रहे हैं। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे जीजे क्या कर रहे हैं, जल्दी खा रहे हैं, भूख के मारे दम निकल जाए मेरा, बर्दाश्त न होती हम तो। वो थोड़ी देर और भूखा रह जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो जीजे एक बार सुन लेना हमारी, इतनी जल्दी हम तो छुटकारा नहीं होने वाला। ऊंट के शरीर के जैसा हूँ मैं, 15 दिन भूखा रह सकता, क्या बातें कर रहा है तू छोरा आदमी। हाँ शरीर ऊंट जैसा, दिमाग गधे जैसा, बेटा निकला तू जानवर का जानवर ही एकदम। जीजे तू जल्दी खाना ले आ, मैं फालतू की बात सुनना चाहता, समझ गई? वो खत्म हो जाएगी मेरी, इसकी बातें सुनूंगा? फालतू की बातें कर रहा है यार मेरे ना। तो ये लो, ले मूंग दाल की खिचड़ी। मूंग की दाल की खिचड़ी क्यों है? ये तो तब बनती है जब किसी का पेट खराब हो। यहाँ किसका पेट खराब है? किसी का पेट खराब ना हो रखा है, वो इलायची का मन था सो बना दिया। जीजी अगर खिचड़ी खानी होती तो जेल तोड़ कर भागता मैं, फालतू की बातें कर रही, तू भी कमाल करती है। इस बात से मैं तेरी सहमत हूँ। अरे कितने चटोरे हैं आप लोग, देखो कभी कभी खिचड़ी खाने से ना पेट को आराम मिलता है। अरे अभी मेरी उम्र ना हो रखी है पेट को आराम देने की, अभी तो मैं हलवाई की दुकान में घुस के हलवाई के साथ साथ पूरी हलवाई की दुकान चढ़ जाऊं तो भी मेरे पेट को कुछ ना होने वाला। अरे अभी से खिचड़ी खा के जो है मैं अपने सिस्टम को क्यों ढीला करूं। वैसे ही बिल्कुल सही कह रहे हो जी, जब पहली बार तुम्हारी वजह से सहमत हो रहा हूं। हाँ अच्छा सुन, ये जिसके लिए तूने खिचड़ी बनाई है वो महारानी है कहाँ? पिंटू के लिए खिचड़ी लेके गई है। उल्टी हो जाए। सारे शर्म नहीं आती तुझे? भगवान ना ऊपर से ब्रह्मास्त्र छोड़ दे तेरे ऊपर और तेरे पेट में इतने सारे छेद हो जाए कि साले तू किसी मजबूर और बीमार आदमी के सामने ना कभी साले चिकन ना फाड़ पाए। हमको जुड़वा थोड़ी हो रखे, जब तुझे दस्त लगे तब मेरा खाना बंद हो जाए। अबे चुप रहे यार, तू ये बता कि तुझे खिचड़ी बनाने को बोला था ना, कहाँ है खिचड़ी? जी खिचड़ी यहाँ है। इलायची जी धन्यवाद, ये देख ले ये होती है बीवी और एक है तू। जीजा जी आपने तो इस बात को बहुत सीरियस ले लिया, आप कहीं ना सच में मेरी सौतन तो नहीं मानने लगे हैं? अरे यार पेट में कुछ तो खाना रुके, फिर चिकन खा लेना चलो। खिचड़ी, अरे वाह मूंग दाल की खिचड़ी, ये तो हम भर पेट खा सकते हैं, इसे तो कुछ ना होगा। अरे जी हाँ गुड। सीरियसली कितने छोले भटूरे ढूंढे थे कि खिचड़ी का एक चम्मच तक नहीं निकल पा रहे अंदर, क्या है ये, क्या है? अरे यार इलायची जी बाद में डांट लेना यार, ये कोई डांटने का समय है क्या यार? अभी हमारे गुसल खाने का इंतजाम करा दीजिए ना प्लीज।
अरे इसका लीवर डाउन हो गया, कुछ ना पचरा इसे, हकीम रहमानी को दिखाओ इसे। वेलकम टू देख दबा के न्यूज। अब आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहा हूं जिस खबर को सुनकर आप अपने सोफे पर उछलकर कूड़ेदान में गिर जाएंगे। एक ऐसी खबर जो आपकी पतलून गीली कर देगी। एक ऐसी खबर। अरे बोलेगा आगे, ऐसी खबर ऐसी खबर ऐसी खबर बोलता रहेगा। बता रहा हूं ना, चिड़का रहे हैं। अभी अभी ताजा जानकारी के अनुसार हमें यह सूचना प्राप्त हुई है कि हमारा अंतरिक्ष यान सूर्य रथ अंतरिक्ष में कहीं खो गया है। अंतरिक्ष यान सूर्य रथ का संपर्क हमसे टूट चुका है। हमारे वैज्ञानिक उसको ढूंढने में लगे हैं। यू डू अंडरस्टैंड? इलायची, 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 मिसेस पंचम। हाँ, क्या क्या हुआ पापा? अरे अरे वो अंतरिक्ष यान कहीं खो गया है, पता ना कहाँ चला गया। उसके साथ साथ वो बर्तन भी कहाँ गायब हो गया, कुछ पता ना। हाय राम, कितनी बुरी खबर सुनाया, मेरे तो भाग ही फूट गए। पापा संभालिए अपने आप को। अरे कैसे संभालूं, वो टंटन सेठी पंचम। सॉरी प्लीज 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 कुछ करिए ना, प्लीज नीचे जाके कुछ करिए, वरना हम बता रहे हैं बहुत पंगा हो जाएगा यार, प्लीज प्लीज। देखा बेटा, वो बर्तन अंतरिक्ष में है लेकिन उसकी उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। अब बेटा किसी नाम से पुकारू कोई फायदा ना। पापा अरे यार, यानी तो खोया है ना, क्या पता जीजा जी के साथ साथ सब लोग ठीक हो, है ना? जल्दी कर। अरे इस बर्तन को कुछ ना होगा, मैंने उसे लाख गालियां दी, लाख जूते चप्पल से मारा, कितना भला बुरा किया, उसने मेरे कितने पैसे बचाए। पापा चलो चलो, रात हो गई, सोने चलो सोने चलो। ना ना, मैं सोने ना जाऊंगा, क्योंकि वो नींद में भी मेरे पास आके कहेगा कि सेठ जी मुझे निकालो यहाँ से। अरे यार अभी आप नहीं निकले ना तो सब कुछ निकल जाएगा। अरे मैं इसमें से देखता हूँ वो कहाँ पे है। चुप कर पुट्टा साला। अबे यार अगर ये नहीं किया ना तो तबाही मच जाएगी, मैं बता रहा हूँ तुझे। अरे रुक जा, रोको ना यार इन्हें। भाई तू सब छोड़ छाड़ के यहाँ से जल्दी निकल ले। मुझे नहीं लग रहा कि सेठ जी दूरबीन छोड़ के कहीं जाने वाले हैं। अबे साले तेरे से कुछ नहीं हो सकता, साले कुत्ता कहीं का। पापा आपका बीपी बढ़ जाएगा, मैं बता रही हूँ ना, इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए इस उम्र में। क्या पता कल सुबह तक एक बहुत अच्छी न्यूज मिल जाए। अभी चलो, बहुत रात हो गई, अभी चलो। ना, सोने से कोई फायदा ना है, मुझे नींद ना आएगी। अरे अरे पापा, अरे यार पापा, उठो इलायची के पापा। पिंटू जी, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। बको बको बोलो। इलायची के पापा उठो। पिंटू जी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी कैसी भी किसी भी तरह की कोई चीज की जरूरत हो, आवाज लगा दी, दरवाजे पे मिलूंगा, तुम्हारी कसम खा के बोल रहा हूँ। लगा देंगे लगा देंगे। समझ गई ना, समझे, समझ रही हो तुम? मैं समझ गई, समझ गई। इलायची के पापा, ओहो सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा। अच्छा मैं जरा चलती हूँ, थोड़ा लेटूंगी तो ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, संभाल के जाना है, रात का टाइम है, चोट वोट ना लग जाए आपके। भगवान हमें प्लीज माफ करेगा, हम इस तरह से खुले में शौच कर रहे हैं, पर अब हम क्या करें यार, मजबूरी है। बस एक बार ही हमारा पेट साफ हो जाने दीजिए, उसके बाद देखिए हमने ऐसे स्वच्छता आंदोलन में ऐसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे पक्का। बस एक बार ही ठीक कर दीजिए प्लीज। वाह वाह, मजा आ गया।
ये क्या? पिंकी जी के कान तो ना बज रहे कहीं? कहीं कोई जंगली जानवर तो ना आ गया पिंकी जी के एरिया में? कौन है बे? पंचम तो? अरे यार ये साला दिल्ली यहाँ पर क्या कर रहा है? पंचम तुझे छोड़े गए पंचम साले। अरे यार मोर्चे को भी अभी आना था। पिंकी जी को गोली एक बार फिर। कोई बात नहीं पंचम, पिंकी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। ये जो खुले में सोच के ना इतना बड़ा चलान काटेंगे पिंकी जी तेरा। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ,